में 100% इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेके आई हूँ, जिससे मैंने खुद ने फॉलो किया है और मुझे 100% रिजल्ट मिला है। स्टेटमेंट लाते हो आई एम अर्निंग रुपीज 10 करोड़ पर मंथ ऑन ऑटो पायलट, तो
तो पहले तो वो जाके आपकी करंट सैलरी देखेगा, जॉब है भी कि नहीं है तो वहीं पे वो रिजेक्ट कर देगा कि भाई तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है तो तुमको इनकम इतना कैसे दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसलिए आपके एफर्मेशन काम नहीं करते हैं जब आप ऐसा बार बार बोलते रहते हो टेन तो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं होगा वंस इन अ वाइल, लेकिन आपको एफर्मेशन ऐसे पहले बनाने हैं जो काम करें। मे बी इसको लिख के साइड पे रख सकते हैं आप, बट ये एफर्मेशन फिलहाल आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस किस्से में आप पूछोगे कि अब मैं क्या करूं गोपाल, ये तो काम ही नहीं करेगा, तो फिर मैं तो आई एम रिच लिख के कोई फायदा ही नहीं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आई एम लर्निंग टू बी रिच। अब लर्निंग इतना खूबसूरत शब्द है कि आपका जो ये कॉन्शियस माइंड है तुरंत उसको एक्सेप्ट करेगा और आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई एम लर्निंग टू अर्न 10 करोड़ पर मंथ ऑन ऑटो पायलट। जब आप ये लिखते हो तो आपका कॉन्शियस दिमाग इसको समझ लेता है, यानी कि आप लिखोगे मैं सीख रही हूँ कि मैं 10 करोड़ रुपए कैसे कमाऊ मंथली बेसिस पे ऑन ऑटो पायलट। ये जब आप लिखते हो तो आपका कॉन्शियस दिमाग इस एफर्मेशन को जरूर एक्सेप्ट करता है, वो आपके पास ऐसे लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आती है। एक बार आपने लर्न कर लिया, आपके कॉन्शियस दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसने कुछ ऐसा सीखा है, और उसके बाद जब आप बोलोगे कि आई एम अर्निंग 10 करोड़ पर ऑन ऑटो पायलट पर मंथ, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अधिकतर लोगों के एफर्मेशन काम नहीं करते। अब आपने अच्छे से एफर्मेशन बनाना भी सीख लिया, कैसे एफर्मेशन बनाए जो आपके लिए काम करे, रिजल्ट लेके आए, ये भी सीख लिया। अब आपने करना क्या है? अब ये एफर्मेशन ऐसा बना लिया जो आपके लिए काम कर रहा है, तो उसको आपको 21 डेज स्ट्रेट पढ़ना है। जब आप 21 डेज स्ट्रेट पढ़ते हो एफर्मेशन को, आपके DNA में रिवाइविंग स्टार्ट हो जाती है, आपका बॉडी समझना शुरू करता है और उस हिसाब से आपका माइंड में वायरिंग और फायरिंग होती है और वो आपके लिए काम करना शुरू करता है। सो एफर्मेशन इतने इफेक्टिव है, आपकी जो करंट रियलिटी है उसको बदल के आप उसमें डिजायर्ड रियलिटी लेके आ सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और अधिकतर एफर्मेशन मेरा मानना है कि अगर आप कुछ गलत थॉट प्रोसेस में है, नेगेटिव माइंडसेट है आपका, उसे पॉजिटिव माइंडसेट में सक्सेसफुली कर सकते हैं। इसका काम होता है एफर्मेशन का। सो गाइज, अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इसके अलावा भी थोड़ी और डिटेल्स में जानना है कि एफर्मेशन कैसे बनाते, कोई पर्टिकुलर टॉपिक मुझसे कवर करवाना है, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप खुद से इंप्लीमेंट करने वाले कि मैं खुद से एफर्मेशन लिखने वाला हूँ, लिखने वाली हूँ, तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड आपको ये वीडियो अगर आज का अच्छा लगा है, काफी नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि आपने आज कुछ सीखा है, तो प्लीज इसे लाइक भी दे दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा और उन्हें भी हेल्प होगी। एंड आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या लव्ड वन अगर आपको लगता है कि उनसे शेयर करने के बाद उन्हें भी इससे बहुत सीखने मिलेगा, तो जरूर शेयर करें। एंड आपको इस तरह का कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह का मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड और ट्रैवल कॉन्टेंट लाती रहती हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।